नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं सिंह हेल्थ एंड फिटनेस। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप नेचुरल रहकर भी बॉडी बना सकते हैं, क्या आप बिना स्टेरॉइड के बॉडी बना सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बिकॉज एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बिगिनर्स में खासकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, जैसे कि बिना स्टेरॉइड की बॉडी नहीं बनती है या मसल ग्रोथ नहीं हो सकता है या एक अच्छी डिसेंट फिजिक हम नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस विषय पे। दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले सही न्यूट्रिशन का ज्ञान होना ज़रूरी है, सही डाइट, सही एक्सरसाइज, सही डिसिप्लिन का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके साथ साथ आपके वर्कआउट के से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं सबसे पहले बिगिनर्स को बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं भी कभी भी जिम शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में पढ़िए, फूड के बारे में पढ़िए, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़िए, कैसा लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना चाहिए, बेसिक गाइडलाइन, बेसिक नियम को आपको जानना चाहिए। उसके बाद आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करें और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको किसी स्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉयड हमारी बॉडी खुद ब खुद हमारी बॉडी में बनाती है, जो कि जैसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि बेसिकली मेल हार्मोन होता है मेंस का, तो वो बॉडी हमारी खुद ही प्रोड्यूस करती है। अगर आप 18-20 साल के लड़के हैं तो डेफिनेटली आपको स्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी को नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। जब मैं 15 ईयर्स का था, मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो शुरू में डाइट का इतना मालूम नहीं होता था, तब इंटरनेट भी उतना नहीं था, तो हम को जो घर में दाल रोटी मिला हम खा के फिर भी खुश होकर जिम जाते थे। हमें स्टेरॉइड का मालूम ही था, हम तो वे प्रोटीन का भी नहीं मालूम था। और करीबन 5 साल तक मैं बिना प्रोटीन के भी मैंने बॉडी बनाया। ऐसा बात नहीं है कि हम बॉडी नहीं बना सकते, बनाया, मसल डेवलपमेंट होता है। बल्कि जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंट होता है प्रोटीन का, तो मुझे लगता है कि आपको जितना भी बाहर से आप खाने के थ्रू जो भी डाइट लेते हो बॉडी में लगता है, नेचुरली लगता है। और जब आप के पास डाइट का पूरा पैसा होता है, सप्लीमेंट सब कुछ होते हैं, तब मुझे लगता है कि बॉडी हमारी ओवरलोड हो जाती है और हम इतना ज़्यादा खाते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बॉडी में डालते हैं कि बॉडी में मसल कम बनती है और मतलब फैट ज़्यादा चढ़ता है। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि नेचुरल डाइट से बॉडी नहीं बनाई जा सकती। आप अच्छे फ्रूट्स का यूज़ करें, सेलेक्टेड फूड का यूज़ करें, जैसे आप पपाया यूज़ करें, बनाना यूज़ करें। इसके साथ साथ जैसे कि आप ऑरेंज, विटामिन सी के लिए ऑरेंज आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक सस्ते फ्रूट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स में जैसे कैरेट है, सस्ता रहता है सीज़न में, कैरेट है आप यूज़ करें, कुकुम्बर यूज़ करें अपने सैलड में, आनियन यूज़ करें साथ के साथ। आप जैसे सीजनेबल, जैसे जो भी फ्रूट सीजनेबल होता है, जो भी सैलड्स वेजिटेबल्स सीजनेबल होती है, आप ज़रूर उसको अपने डाइट में शामिल करें। उससे आपको अच्छे प्रोटीन और अपने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब आपको पूरा मिलता है उसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेरॉयड ही लेना है। स्टेरॉयड के लिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टेरॉयड को ना लेकर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स, जैसे कि जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, सफ़ेद मुसली है, इसके साथ साथ आप जैसे कि गोशुरा का यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, जो कि आपको आपके मसल बिल्डिंग गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। आपको किसी भी स्टेरॉयड का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अश्वगंधा है बेसिकली, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी लिफ्टिंग को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्लीप, अपने स्ट्रेस लेवल को अच्छा करना चाहते हैं और अपने बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप अश्वगंधा का यूज़ कंपलसरी करें अपने सप्लीमेंट स्टैक के साथ, वे प्रोटीन के साथ आप इसको ले सकते हैं, बिफोर वर्कआउट भी ले सकते हैं और बिफोर स्लीप नाइट में भी ले सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट इतना पावरफुल है कि आपको किसी स्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिएटिन का यूज़ करें, क्रिएटिन इमीडिएट इफेक्ट देता है बॉडी में, क्रिएटिन को यूज़ करें, कॉफ़ी को यूज़ करें, कॉफ़ी इमीडिएट इफेक्ट देता है बॉडी में। कॉफ़ी के आगे 500-600 रुपए वाला प्री वर्कआउट भी फेल है, जो प्री वर्कआउट के नाम पे मार्केट में डब्बे बिक रहे हैं। आप कॉफ़ी को यूज़ करें, कॉफ़ी के साथ में आप क्रिएटिन को मिक्स कर ले, कॉफ़ी क्रिएटिन इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है कि एक बार आपने वर्कआउट शुरू किया तो आप ख़त्म करने का नाम नहीं लेंगे। अगर आप उस
इतना फोकस आपका मेंटली वो भी बिल्ड कर देगा, इतना इंटेंसिटी आपकी बॉडी में बिल्ड कर देगा कि माइंड मसल कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि आपको फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपको ऐसा होगा कि बस मैं ये भी वेट उठाऊँ वो भी उठाऊँ। तो इस तरह के सप्लीमेंट भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि नेचुरल हैं और सस्ते रेटों पर मिल जाते हैं, जिसका बॉडी में कोई भी हार्म नहीं है। अभी आपने स्टेरॉयड लिया, 2 महीने साइकिल चलाई, साइकिल चला के फिर आपको 1 महीना PCT, तब तक आपका टेस्टोस्टेरोन 4 महीने में तो ख़त्म ही हो गया होगा। जब तक आप उसको वापस से शुरू करेंगे तब तक आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन, तब तक आपको उसकी लत लग जाएगी, आपको एनर्जी लो एनर्जी फील होगा, आप बोलेंगे यार अभी तो मैंने इतना कुछ इतना पैसा लगाया, इतना टाइम दिया, इतना डिसिप्लिन फॉलो किया, फिर आप उस चीज़ को 4-5 महीने के बाद स्टॉप कर देते हैं, फिर क्या होगा? तो बॉडी में हमेशा आपके स्टेरॉयड नहीं रहेगा, आप हमेशा स्टेरॉयड नहीं चला सकते हो। तो बेस्ट है जितना ज़्यादा नेचुरल रहो, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। और सिर्फ आपको फिजिक मॉडल बनना है और आपको जस्ट फोटोशूट करना है, तो मेरे भाई फोटोशूट बॉडी तो आप नेचुरली भी अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तौर पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे बहुत सारे रेसलर्स हैं, सुशील कुमार, अपना योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, पुराने ज़माने का देखा है दारा सिंह, क्या ये लोग नेचुरली ये लोगों ने बॉडी नहीं बनाया क्या? ये लोग स्टेरॉयड तो नहीं लेते थे? नेचुरली भी आपका हार्डवर्क कितना होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए, और साथ के साथ डिसिप्लिन, नियम। ऐसे नहीं कि आज एक्सरसाइज किया कल आप बोले यार पार्टी करते हैं। तो हमेशा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है बॉडी बिल्डर का। सबसे ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन बॉडी बिल्डिंग में ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसके अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में कोई भी एथलीट नहीं रहता है जितना कि एक बॉडी बिल्डर को रहना पड़ता है, एक एथलीट को रहना पड़ता है। तो ट्राई करें आप इन चीज़ों से दूर रहें और अच्छे सप्लीमेंट्स का यूज़ करें, क्रिएटिन को अपने डाइट में शामिल करें, अश्वगंधा को अपने डाइट में शामिल करें, गोक्षुरा को आप ले सकते हैं। डोंट टेक स्टेरॉइड्स, बिकॉज स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ये आपको आज नहीं तो कल ज़रूर इसके नुकसान देखने को अपने बॉडी में मिलेंगे। तो आप स्टेरॉइड से दूर रहें। नेचुरली बॉडी बनती है और बनाई जा सकती है, बहुत अच्छे अच्छे बॉडी मैंने देखी हैं, मैं खुद 14-15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता हूँ, मेरा भी एक सोशल लाइफ है, मेरा एक सोशल सर्कल है, मुझे हर जगह उठना बैठना पड़ता है, बट मेरा एक डिसेंट फिजिक मैं कैरी करता हूँ। हाँ, आप देख कर बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, इस सफिशेंट की मतलब इतना लूज भी नहीं दिखता हूँ और इतना अच्छा भी नहीं, बट आप कह सकते हैं कि डिसेंट फिजिक है, डिसेंट वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ, डिसेंट एक्सरसाइज कर लेता हूँ, सफिशेंट है। मेरा प्रोफेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग, आपका भी नहीं है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल एथलीट आप इस प्रोफेशन को लेना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशनल आपको इसमें बनना चाहते हैं, तो आप लीजिए, देन यू कैन हायर वन गुड ट्रेनर हु कैन टीच यू, और आप उससे नॉलेज गेन कीजिए, उसके अंडर गाइडेंस में आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट लीजिए, जो भी है प्रिपरेशन कीजिए, बट किसी अच्छे कोच के उसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने दिमाग में कभी ना बैठाएं कि बिना स्टेरॉयड की बॉडी नहीं बनती है, और जो लोग स्टेरॉयड यूज़ करते हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिन्होंने किया है या करते हैं या करने की सोच रहे हैं, कि अगर लें तो किसी के अंडर गाइडेंस में लें, और पहले तो लें ही नहीं। और जिनका कोई भी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग को लेके कोई सीरियस गोल नहीं है तो वो बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। आप डिसेंट फिजिक अचीव कर सकते हैं, अपने बॉडी के ऊपर काम कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। मैं गारंटीड बोलता हूँ कि आप 3 महीने अगर आपने बॉडी में अच्छा ध्यान दिया, अच्छी डाइट फॉलो की, अच्छा सप्लीमेंट यूज़ किया, अच्छा स्लीप पैटर्न यूज़ किया, तो डेफिनेटली 3 महीने में आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं नेचुरली। 3 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ को डेवलप होने में, हर चीज़ को ग्रो होने में या शार्प करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज दवाई आज हमने चालू किया, अगले हफ्ते बॉडी श्रेड हो जाएगी, बॉडी डेवलप हो जाएगी। मांसपेशियों को बनने में टाइम लगता है, जिसके लिए आपको अच्छी डाइट, अच्छे न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में डालना पड़ता है। तो धीरे धीरे बॉडी ग्रो होती है, जैसे कि बचपन से हम लोग धीरे धीरे ग्रो होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, वैसे बॉडी को भी धीरे धीरे पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब बॉडी जाके धीरे 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 एक स्टेप पे, एक लेवल पे आके ग्रो होती है।
और ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जो आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बट ये गेम ख़त्म नहीं होता है। तो कितनी भी बॉडी बना लो, कितनी भी बॉडी बना लो मेरे भाई, जाना कहीं नहीं है, रहना इस धरती पे ही है। अब इतने सारे बॉडी बिल्डर्स के आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, फिल हीथ है, जे कटलर है, आर्नोल्ड स्वाज़नेगर है, पॉल डिलेट, ये पॉल डिलेट वॉज ए बिग मॉन्स्टर, कितना खतरनाक उसका बॉडी था, बट कहाँ है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, ठीक है, बट पूरी ज़िंदगी आपको इस शरीर को अपने साथ लेके चलना है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, इससे बचें और अच्छे सप्लीमेंट्स को यूज़ करें। तो बॉडी बिल्डिंग के इस चक्कर में आप जो है कि पूरी आगे की जो लाइफ है उसको ख़राब ना करें। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नेचुरली बॉडी बना सकते हैं, बात नहीं है बॉडी बनाना, मेन बात है उस बॉडी को कैरी करना, उस बॉडी का मेंटेनेंस करना और उस बॉडी को के साथ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये सबसे बड़ी बात है। बॉडी हर कोई बना सकता है, 1 महीने 6 महीने में लोग बना लेते हैं, बट क्या उनसे पूछिए आप इसको सेम टू सेम कैरी कितने सालों तक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर कोई बॉडी बिल्डर को देखिए वो कैसा था, इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, नॉट इन फॉरेन कंट्री। 1 साल पहले उसने बहुत अच्छी तगड़ी बड़ी बॉडी बनाई, स्टेरॉइड ठोका, बॉडी बनाया, ये वो, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, टीजी कनेक्ट करके कोई आदमी आता है वो कहता है मैं 40 साल का हूँ, 40 साल का ये हूँ वो हूँ, और बॉडी बनाया मैंने, ये है वो है, बहुत मतलब डेली डेली मैं देखता हूँ उसके वीडियोस, देखता नहीं मैं थंबनेल्स देखता रह के हंसी आती है मुझे कि आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, आप क्या उनको दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने कैसे बनाया, क्या किया, ये किया, वो किया, हाँ मैंने अपनी चेस्ट कैसे फिक्स किया। आप उनको उनको सही गाइड बताइए, सही चीज़ें बताइए, आप सिर्फ अपना कंटेंट बेच रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बच्चे देख बड़ों को देख के सीखते हैं, और बच्चे गलत काम, बड़े ही गलत काम कर रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मैं इतना बड़ा फिटनेस एथलीट हूँ, बट जितना भी मेरे पास ज्ञान है, मैंने पिछले 15-16 साल में, एज 15 से लेके आज मैं 31 ईयर्स का हूँ, मैंने जो भी नॉलेज गेन किया है वो मैं आपके साथ अपने थाट्स शेयर कर रहा हूँ। किसी को भी अगर मेरी बात का बुरा लगे उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और बिगिनर्स डोंट टेक स्टेरॉइड्स, बी सेफ, नेचुरल सप्लीमेंट्स यूज़ करें, बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है यार नेचुरल, इतने खतरनाक खतरनाक सप्लीमेंट्स है, स्टेरॉइड भी फेल हो जाता है, ऐसे सप्लीमेंट्स को यूज़ करें प्रॉपरली। और इतने सारे सप्लीमेंट लेके भर लोगे भाई, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कौन सा सप्लीमेंट क्या काम कर रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। 4-5 चीज़ें बहुत है, मल्टीविटामिन ले लो, फिश ऑयल ले लो, अश्वगंधा ले लो, वे प्रोटीन ले लो, क्रिएटिन ले लो, बहुत है, बहुत है। चाहिए तो दो प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा कर लो, बिफ मॉर्निंग कर लो, पोस्ट वर्कआउट कर लो, बिफोर स्लीप कर लो, तो आप प्रोटीन की कंटेंट बढ़ा दो, प्रोटीन नहीं तो प्रोटीन को कम कर दो, नेचुरल पे ज़्यादा डिपेंड रहो, चिकन को ऐड कर लो यार, 200-250 ग्राम, 100 रुपये का आधी किलो चिकन आ जाता है, आधी किलो चिकन को डेली अपना डिवाइड कर लो, सप्लीमेंट की डिपेंडेंसी कम कर दो, नेचुरल फूड पर ज़्यादा रहो। प्रोटीन सप्लीमेंट 1000 रुपये का पैकेट आता है, 1000 रुपये का पैकेट आता है 1 किलो, उसकी एक स्कूप कितनी पड़ती है आपको, 30-35-40 रुपये की। अब चिकन ले लो यार, 100 रुपये का चिकन आता है, डेली 250 ग्राम चिकन खा ले मेरे भाई, 50 रुपये में आपको, 250 ग्राम चिकन में आपकी 2 मील बन जाएगी आराम से, आराम से, दिन में 4 मील खाओ, 5 मील खाओ, बहुत ईजी है करना, इसमें कोई कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि बॉडी कैसे बनाए। थंबनेल्स देखता हूँ, बॉडी कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए, अरे मेरे भाई सब बॉडी एक जैसे ही बनाते हैं, बाकी सब लोग आपको फुद्दू बना रहे हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, हार्ड वर्क करो, अच्छी ट्रेनिंग करो, अच्छा डाइट लो, अच्छा अच्छे लोगों के साथ रहो, जिम में जो आपके सीनियर्स हैं उनके संपर्क में रहो, उन लोगों से थोड़ा बहुत सीख लो, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जैसे अपने कोच से सीखो, अपने जिम ट्रेनर से सीखो, डेफिनेटली बताएंगे यार, कोई जिम के अंदर तो भाई ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, बट आपको चुनना वो है जो अच्छा ज्ञान आपको दे, कौन आपको सही ज्ञान दे सकता है, कौन आपको अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, अच्छे चीज़ों के बारे में बता सकता है, उन लोगों से दूर रहें जो कहते हैं भाई मैं तेरी बॉडी बनवा दूंगा, इतने पैसे खर्च कर दे, उन लोगों से दूर रहें। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा सजेशन वीडियो था, ये मेरे कुछ थाट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो अगर किसी को भी मेरी किसी भी बात का बुरा लगे उसके लिए मैं रियली सॉरी बोलता हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेरे को कमेंट करें
मुझे आस्क कर सकते हैं कि आपको नया किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।